देखिए, बहुत सारे जिस तरह से वीडियो आए थे, अब जो रिपोर्ट आई है उससे ये बात पुख्ता हो गई है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से तिहाड़ जेल के प्रशासन को हाईजैक कर लिया था उन्होंने। और तिहाड़ जेल का प्रशासन का एक ही काम था, उन्हें आम कैदियों से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ मतलब था तिहाड़ जेल के वीवीआईपी मेहमान सत्येंद्र जैन को कैसे खुश रखा जाए। और ये खुश रखा गया नियमों को तोड़कर, जो दूसरे कैदी थे उनके एक्सपेंस कार्ड को भी इस्तेमाल किया गया, उनके पैसे को सत्येंद्र जैन गुलछर्रे उड़ा रहे थे उनके नाम पर, दूसरे कैदियों को डरा धमकाकर कि तुम्हें यहाँ पर काम कम करना पड़ेगा, सत्येंद्र जैन की सेवा करो, इस काम में लगाया गया था। और पूरा जेल प्रशासन इस बात पर आमादा था कि सत्येंद्र जैन की मालिश कैसे हो जाए, सत्येंद्र जैन को 5 स्टार का खाना कैसे मिल जाए, सत्येंद्र जैन को मोबाइल फोन कैसे इस्तेमाल हो जाए, सत्येंद्र जैन की कैसे मीटिंग करा दे, कैसे वीवीआईपी मेहमान सत्येंद्र जैन से विटनेसेस को मिलवा दे, गवाहों से मिलवा दे, कैसे वहाँ पर सत्येंद्र जैन जेल में एक माफिया की तरह शासन चला रहे थे। यानी जेल में भी वो मंत्री हैं। पहले तो शर्मनाक बात यह है कि उन्होंने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बंद होने के बावजूद केजरीवाल ने उनसे इस्तीफा नहीं लिया, और फिर उनको बड़ी बेशर्मी से नैतिकता का सारी धज्जियां उड़ाते हुए, कानून की सारी धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने सत्येंद्र जैन को खास मेहमान जो तिहाड़ जेल में बना के रखा। ये रिपोर्ट ये बताती है कि सारे प्रशासन नियम कानून से ऊपर हो गए आम आदमी पार्टी के नेता, जो आम आदमी की बात करते थे कि अरे हम तो आम आदमी की बात कर रहे हैं, हम तो जैसे जनता रहती है वैसे ही हम काम करेंगे और वैसे ही बनकर रहेंगे, ये तो इन्होंने तो सबको पीछे छोड़ दिया है, तो वीवीआईपी बन गए जेल के अंदर भी। तो ये सारी बातें सामने आई हैं, इससे ये साफ जाहिर हो गया है, दिल्ली और देश की जनता ने देख लिया है कि आम आदमी की भेस में ये भेड़िए हैं, लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी हैं। गुजरात किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, गुजरात पूरी तरह से भगवा में हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरपूर प्यार और आशीर्वाद समर्थन वहाँ मिला है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ थंबिंग मेजॉरिटी से जीतने जा रही है। वहाँ बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी पूरा 2/3 बहुमत के साथ वहाँ जीतने जा रही है। ऐतिहासिक निर्णय जो दिल्ली गुजरात की जनता ने लिया है। एक आखिरी सवाल है, यहाँ पर एक आपत्तिजनक नारे दिए गए हैं जिसमें कहा गया है ब्राह्मणों कैंपस खाली करो, यहाँ खून होगा, ब्राह्मण भारत छोड़ो, और बनिया के लिए भी बोला गया है आपत्तिजनक शब्द। तो आरोप लग रहे हैं कि लेफ्ट की तरफ से ये नारे जो है जेलों की दीवारों पर लिखे गए हैं। देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि भारत को तोड़ने के लिए विदेशी शक्तियाँ कारगर रही, विदेशी शक्तियाँ काम करती रही हैं। यहाँ पर कम्युनिस्ट उनके उनके एजेंट के रूप में काम किया है। पहले CIA और पूरे अंतर्राष्ट्रीय साजिश रही कि भारत को कैसे अस्थिर किया जाए, और कम्युनिस्ट उनके एजेंट के रूप में रहे, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो या विदेशी शक्तियाँ हो, वो भारत के अंदर अस्थिरता करने के लिए और भारत के अंदर घृणा का भाव फैलाने के लिए काम करते रहे, और कम्युनिस्ट उनके टूल बनते रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी ने कह दिया है, देश विरोधी ताकतों को, वो चाहे कहीं भी छुपी होंगी, देश को तोड़ने वाली जो भी ताकतें हैं, जो कहीं भी छुपी होंगी, चाहे वो राजनीतिक दल के रूप में हो, चाहे वो किसी ताकत के रूप में हो, उनको बाहर निकाल के उनको सही जगह पहुंचाया जाएगा। वो JNU में चाहे कितना भी कर ले, अब उनके दिन चले गए हैं। JNU के अंदर भी परिवर्तन हो गया है और वहाँ राष्ट्रवाद की बातें हो रही हैं। जिस JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगते थे, आज वो JNU बदल चुका है, और इसीलिए उन्हें दर्द हो रहा है। और जो बातें वहाँ फैलाई जा रही हैं उनका भी जवाब दिया जाएगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।